हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर घूमने के तौर पर दिखाएंगे जो भी वहां पर घूमेंगे और जितना भी। हम लोग की गाड़ी गोरखपुर पहुंचने वाली गोरखपुर से पहले ही रोक दी है, क्या कहते हैं, सरदार नगर में, क्योंकि सिग्नल नहीं होने के कारण से। और बाकी अभी लगभग यहाँ से 10 मिनट की रास्ता है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे गोरखपुर। फिर आपसे मिलते हैं गोरखपुर पहुँच के। गोरखपुर छावनी पहुंच चुके हैं और ट्रेन काफ़ी लेट हुई क्योंकि काफ़ी इसने ट्रेनों को क्रॉस कराया इस कारण से। और 12 बज गया वैसे इसका टाइम, 11 बजे एक घंटा लेट चल रही है, बल्कि वहां से राइट टाइम थे, यहीं से एक घंटा लेट हो गई है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं, ये देखिए, ये नीचे है प्लेटफॉर्म गोरखपुर का। अब चलते हैं उधर ही हम लोग भी। और आपको पता ही है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। यह है गोरखपुर का बाहर से रेलवे स्टेशन और बाहर से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षित करता है ये लोगों को, आप देख सकते हैं। और ये वहाँ पर घड़ी भी लगी हुई है जिसमें कि 12:15 हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इधर झंडा तो मतलब हर जगह आपको हर स्टेशन पे लगा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, गोरखपुर लगभग 3 से 4 साल बाद मतलब प्लेटफॉर्म से उतर के बाहर आया हूँ। लेकिन वैसे तो आना जाना होता रहता है, लेकिन मैं उतरता नहीं क्योंकि मेरे को आगे जाना रहता है इस कारण से। और काफ़ी अच्छा है, और आपको पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। और ये 1366.33 मीटर लंबा है और 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ये सब कुछ यहाँ पर है। आप आएंगे तो बाहर इसके एग्जिट करके यहाँ पर से ऑटो मिल जाएंगे, जैसे गोरखनाथ किसी को जाना है वहाँ के लिए, और जहाँ पर भी जाना है उस वहाँ के लिए आपके लिए ऑटो उपलब्ध हैं। बाकी उबर ओला सब कुछ चलता है यहाँ पर। हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, गोरखनाथ मंदिर पहुँच के आपसे मिलते हैं, बाकी रोड का जो भी हो वो आपको दिखाते हैं। और ये जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग बहुत अच्छी लगी। थोड़ा दूर रह गए हैं, पहुँचने वाले हैं और मंदिर में पहुँच के फिर आपको बाहर का भी फिर अंदर का भी दिखाते हैं, देखते हैं क्या बदलाव आया है। वैसे तो काफ़ी बदलाव आया है, मैं काफ़ी बहुत दिन पहले आया था, मुझे लगभग 6 से 7 साल हो गए लगभग उस समय आया था, इससे पहले नहीं आया था कभी भी। पहुँच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में, दिखाता हूँ आपको गेट, कहाँ से एंट्री होती है गोरखनाथ मंदिर की। कितना अच्छा और कितना सुंदर दिख रहा हो, ये एंट्री है। गोरखनाथ मंदिर में आ चुके हैं, अब जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, काफ़ी चीज़ मिल रही है यहाँ पर, जैसे खिलौना या जूता चप्पल जो भी है सब कुछ मिल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। पर ये मार्केट लगी है, लोग सामान ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह हैं और जूते चप्पल हैं। और हमारे साथ आए हैं हमारे बिट्टू जी ये हैं, ये देखिए गाइस। और हम दोनों लोग आए घूमने और घूमेंगे आराम से, घूम के फिर आराम से जाएंगे। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यही मंदिर है, और अंदर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ बाहर से नहीं दिख रहा, अभी अंदर से चल के दिखाते हैं। सकते हैं यही मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, झील टाइप की समझ लीजिए। और इसमें लोग बोटिंग वगैरह करते हैं और बत्तख हैं, इनको दाना वगैरह या मछली हैं उसको दाना वगैरह देते हैं लोग। हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। और इधर एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो भी देखते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर सभी लोगों की मूर्ति रखी गई है और पीछे नाम लिखा गया है, वीरांगना लक्ष्मी बाई, श्री भारत माता, ऐसे करके सबके नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। विश्वकर्मा जी, ये सबके नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं जो भी लिखा है ये सामने। हमेशा मतलब आग जलती रहती है हल्की 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 करके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये आपको सामने मंदिर जो दिख रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर है, और इसमें भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और करने के बाद निकल आए। और बाकी जो आप देख रहे हैं, ये नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब बन जाएगा और फिर जब कभी मैं आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि उधर जाना भी कोई मतलब नहीं बनता, पहली बार जाने भी नहीं देंगे क्योंकि वो नया बनना है इस कारण से। बाकी हम लोग फोटो वोटो क्लिक करा के अब घर जाएंगे। ये लाइटिंग दिख रही है आपको, यही गोरखनाथ का मेन मंदिर है, यही गोरखनाथ मंदिर है जो आपको लाइटिंग दिख रही है। मैं बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर तो अलाउ नहीं है इस कारण से। ये आपको मतलब मूर्ति दिख रही है लेटे हुए, ये श्री भीम जी की मूर्ति है। गोरखनाथ मंदिर घूम के अब घर के लिए जाए, क्योंकि हम लोगों ने पूछा गौशाला जाने के लिए, तो बोला गौशाला नहीं जा सकते, पहले जाने देते थे अब नहीं जाने देते हैं, और तो इस कारण से हम लोग नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, नौका विहार घूमने की बात थी, तो उसमें क्यों हम लोग इस बारे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, तो फिर हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो हम लोग को फिर रात में ट्रेन मिलेगी, तो हम घर पर रात में पहुँचेंगे, काफ़ी देर हो जाएगी इस कारण से। जब भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी आएँगे तो आपको नौका विहार ज़रूर घुमाएंगे। आए हैं गोरखपुर के सिटी मॉल में, और यहाँ पर भूख लगी थी तो पिज़्ज़ा खा के और घर को जाएंगे। गोरखपुर के सिटी मॉल में भी गए थे, हम लोग सोचे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन वहाँ पर डोमिनोज है ही नहीं है। लोग ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, कहीं अगर डोमिनोज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ट्रेन पकड़ के हम लोग घर चले जाएंगे।